हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड फन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी, यूनिक सी रेसिपी बिल्कुल। इसके लिए आपको चाहिए आधा लीटर दूध। दूध को हम खौलाने डालते हैं जब तक हमारा दूध अच्छे से खौलता है। और फिर देखिए मखाने और दूध की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। हमको मखाने ले लेने हैं, किशमिश ले लेना है, बादाम ले लेना है 8 से 9, पिस्ता ले लेना है, चीनी ले लेनी है थोड़ा, और ये दो अखरोट ले लेना है। और चीनी भी हमको पहले डाल देनी है इसमें। चीनी भी हमने डाल दी है दूध में एक साथ ही। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। और सारी आपको जो व्रत में थकान, कमजोरी और जो भी आपको महसूस हो रही होगी इससे सब दूर हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी। अब चलिए बनाते हैं हम, लेट्स गो। ये देखिए दोस्तों, एक हमें कढ़ाई चढ़ा लेनी है। इसमें डालना है 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून देसी घी डालना है हमें। और जो हमारे मखाने हैं ये हमको रोस्ट कर लेना है अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, हो गए हमारे ये। इस स्टेज में हमें इसको निकाल लेना है प्लेट पे। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह हमको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालना है, ज़्यादा नहीं। और इसमें अपने ये भी रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा, इनको भी रोस्ट कर लेना है। और किशमिश को हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि किशमिश को हमें वो ब्लेंड नहीं करना है। ये देखिए, आप जो आपको कोई से भी ड्राई फ्रूट पसंद हो अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। इसको भी भून लीजिए हल्का सा। देखिए दोस्तों, अब हम इसे सबको ब्लेंड में डाल के ब्लेंड कर लेना है अच्छा सा। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा रखना है। ये देखिए, मैं एक छने के लिए बना रही हूँ तो मैंने इतना यूज़ किया। आप अगर ज़्यादा के लिए बनाए तो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा ड्राई फ्रूट, ज़्यादा ये मखाना डालें। मैं तो सिर्फ एक छने के लिए बना रही तो मैं इसलिए कम बना रही हूँ। मैंने आधा लीटर दूध लिया है। अगर आप पूरी फैमिली के लिए बना रहे तो ज़्यादा लीजिए। ये देखिए, इस तरह हमें दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और अब यह हमें आधा टेबल स्पून घी और डाला हमने इसमें, इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। हल्की आंच में करिएगा वरना तेज आंच में ही जल जाती है। देखिए, और फिर हमको ये अपना शब डालना है जो हमने पीसा है, इसको एक बार और हमें वो कर लेना है रोस्ट। वैसे तो ये हमारा रोस्ट ही है, ज़्यादा रो करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हो गया। अब इसमें हमें अपना गरम दूध डाल देना है, ये जो हमने फैलाया चीनी डाल। ये देखिए दोस्तों, क्या खीर बन गई हमारी मखाने की। ये देखिए, इस स्टेज में हमें गैस बंद कर देनी है। ये देखिए दोस्तों, हमारी साबुदाने की खीर बनके तैयार है। ये देखिए, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।